आखिर बाबा गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल क्यों मिल रही है? आखिर उसे क्यों बार बार जेल से बाहर निकाला जा रहा है? गुरमीत राम रहीम, जिस पर दो औरतों के रेप केस हैं, बलात्कार का केस है, लेकिन उसे बार बार पैरोल मिलना, बार बार जेल से बाहर लाना, यह कोई कोई साजिश तो नहीं है? या सरकार इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है बाबा का? इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने हमें फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें फॉलो या सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसा कि आप सबको पता है कि गुरमीत राम रहीम, जिस पे दो औरतों का रेप केस था, जिसे 20 साल की कैद हो गई थी, जो कि रोहतक के सोनारिया जेल में कैद है। रोहतक जो कि जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा में आता है। तो दोस्तों, आखिर गुरमीत बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल क्यों मिल जाती है? यहाँ पर मैं आपको कारण बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले हम हनीप्रीत के बारे में बात करेंगे। आखिर हनीप्रीत कहाँ है? जेल से निकलते ही बाबा ने सबसे पहले हनीप्रीत को गले लगाया। हनीप्रीत भी जब बाबा की रिहाई हो रही थी जेल से, तो बाहर जेल के बाहर गाड़ी में बैठे बैठे टकटकी गिद्धी की तरह नज़र जमाए रही, और जैसे ही बाबा बाहर आए तो उनसे फौरन जाके लिपट गई। हनीप्रीत जो उनकी शिष्या है, खास शिष्या है, बाबा उनको अपनी बेटी मानते हैं, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि वो बेटी है या उनकी पत्नी है, ये सभी लोग जानते हैं। बाबा ने हनीप्रीत में हनी को तो खा लिया और प्रीत को छोड़ दिया है। दीपावली से पहले बाबा राम रहीम को 40 दिन के पैरोल पर छोड़ा गया था, और वह पैरोल से छूटने के बाद हनीप्रीत उससे मिलती है और सीधे बाबा बागपत अपने आश्रम में आता है, और वहीं पर बाबा ने बागपत में ही बाबा ने इस बार दीपावली मनाई। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश के उधमपुर में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसका फायदा बीजेपी सरकार बाबा को जेल से निकाल के लेना चाहती है। इसकी वजह बाबा के सबसे ज्यादा शिष्य, बाबा राम रहीम के करोड़ों शिष्य हैं, लाखों शिष्य हैं, जो राम रहीम की एक बात पर मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा जिस दिन बागपत था, उस दिन उसने 2 घंटे का एक वीडियो भी रिलीज किया था, जिसमें उसने अपने भक्तों से बताया जैसा वो कहें वैसी उनकी बात आपको माननी है। इसके अलावा बाबा जब जब जेल से रिलीज होता है, पैरोल पर आता है, तो हमेशा सत्संग करता है, जिसमें वह अपने भक्तों को इशारों इशारों में आगे का क्या प्लान है वह समझा देता है। जब बाबा ने अपने परिवार का आईडी कार्ड बनवाया था, तो उसमें सिर्फ हनीप्रीत का नाम ही दर्ज करवाया था, जबकि बाबा की शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी है, उसके माँ बाप है, लेकिन ना तो पत्नी का नाम दर्ज करवाया, ना ही अपने माँ बाप का, सिर्फ हनीप्रीत का ही नाम दर्ज करवाया था। 7 फरवरी के पंजाब चुनाव में बाबा को 21 दिन की पैरोल पर छोड़ा गया था। इसके साथ ही 30 जून को भी 1 महीने के लिए बाबा को पैरोल पर छोड़ा गया था। अब बार बार जब चुनाव होते हैं, तो उसी समय बाबा गुरमीत को पैरोल पर क्यों छोड़ा जाता है? इसका सा सीधा सा असर है, बाबा गुरमीत के लाखों हजारों जो उसके शिष्य हैं, वह चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, ये आखिर इशारा क्या करता है? सीधा सा इशारा है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा राम रहीम के द्वारा अपना वोट बैंक साधना चाहती है, सीधी सी बात है। लेकिन राजस्थान में आसाराम बापू को आखिर पैरोल पर क्यों नहीं छोड़ा जाता है? क्योंकि राजस्थान में जो सरकार है वो कांग्रेस की चल रही है, ये आसाराम बापू को पैरोल नहीं मिलती है। तो 3 नवंबर को उधमपुर में विधानसभा उपचुनाव होने हैं, जिसमें बाबा को पैरोल पर छोड़ दिया गया है, जिसमें बाबा ने अपना मनपसंद प्रत्याशी को उतारा है और उस प्रत्याशी को बाबा जिताना भी चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल क्यों मिलती है? उसे बार बार जेल से क्यों छोड़ा जाता है, वो भी जब तब इलेक्शन होते हैं? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे फॉलो जरूर करें।